मैदान बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 17 मैदान ने 17वें दिन पर बॉक्स ऑफिस पर किया कमाल। अजय देवगन की फिल्म के ग्राफ में आया उछाल और क्या रहा कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर 17वें दिन पर, आइए बात करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। और इस कमाल को देखने के बाद आपके दिल और दिमाग दोनों ही सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अजय देवगन ने ऐसा क्या कमाल कर दिखाया कि उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इतनी जल्दी इतनी उछाले मारने लगा। जी हां दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अजय देवगन की फिल्म मैदान को रिलीज हुए आज 17 दिनों से ज्यादा हो चुके हैं और यहां पे इस फिल्म को काफी बड़ा हमको बेहतरीन कलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वहीं अगर बात करें तो जहां पे लोगों को ये पता चल चुका था कि ये जो फिल्म है काफी बड़ी डिजास्टर फ्लॉप हो चुकी है, लेकिन वहीं पे अजय देवगन की एक्टिंग का कमाल मानिए या अजय देवगन की अच्छी किस्मत मानिए कि इस फिल्म का जो ग्राफ है हमको उछाल मारता हुआ नजर आ रहा है। फिल्म की कमाई के मामले में लगातार उछाल और गिरावट दोनों के साथ हमको देखने को मिल रही है फिल्म का। वहीं अगर 17वें दिन का कलेक्शन की बात करें तो सभी फिल्मों के मुकाबले इस फिल्म की जो कमाई है हमको काफी बेहतरीन तरीके से होती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर फिल्म के 17वें दिन की कमाई की बात करें तो हमारे सामने इसके भी आंकड़े आ चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैदान के 17वें दिन की कलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे इसने 2 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पे टोटल 40 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। फिल्म के कलाकारों की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो उसकी तारीफों के अंदर इनको IMDb रेटिंग जो है वो 9 पॉइंट से ज्यादा मिल चुकी है और इसके बावजूद भी हमको ये जो फिल्म है वो फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है। वही अगर बात करें इसके 6 दिनों के ग्राफ के अंदर तो इस फिल्म ने 30 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। वही अगर आपको और बता दो इस फिल्म की जो कमाई है उसको इतना नीचे गिराने में सबसे अहम रोल निभाती है अक्षय कुमार की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां जो कि 11 अप्रैल को रिलीज हुई थी। वहीं आपको बता दो अजय देवगन की जो फिल्म है काफी दिनों से डिले चल रही थी रिलीज होने के लिए, लेकिन अजय देवगन की इतनी फूटी किस्मत कही है कि उन्होंने इस फिल्म को ऐसे टाइम पे रिलीज किया। एक तो उनको इतना बड़ा क्लैश देखने को मिला, साथ ही ये जो फिल्म है वो एक नेशनल फिल्म मानी जा रही थी और इसके साथ ही अभी ना 26 जनवरी ना 15 अगस्त है, ऐसे मौके पे इस फिल्म को रिलीज करके भी बड़ा जोखिम उठाया जो कि उनको नुकसान भी हमको देखने को मिल रहा है। वही आपको बता दो पिछले महीने उनकी एक और फिल्म आई थी शैतान जिसने बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ करके कमाई की और ऐसे ही अजय देवगन को लग रहा होगा कि ये जो फिल्म है उनकी ये भी काफी अच्छा खासा कलेक्शन करके उनको दिखाई गई, लेकिन यहाँ पे उनको उल्टा ही देखने को मिला। इस फिल्म का कलेक्शन तो छोड़िए, वो फिल्म अभी इतना भी कमा पा रही है कि वो थोड़ा बहुत अपनी नाक जो है वो कटने से बचा पाए। लेकिन दोस्तों अगर फिल्म की बात करें तो काफी अच्छे खासे रिव्यू हमको देखने को मिले थे क्रिटिक्स की तरफ से भी और मैदान की ऑडियंस की तरफ से भी कि फिल्म जो है थिएटर के अंदर काफी अच्छा खासा कलेक्शन करेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमको थोड़ा बहुत तो ग्राफ हमको इस फिल्म का गिरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि अजय देवगन जो है अपनी आने वाली फिल्मों के साथ क्या धमाल कर पाते हैं।